एक्चुअली द कुकिंग डायरीज आज आपको बता रही हूँ मैं स्वीट कॉर्न ये भुट्टे को किस तरह से उसके आसानी से जो है उसके दाने निकाल सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टोर कर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि तो आजकल भुट्टों का सीज़न है तो भुट्टे सस्ते मिल रहे हैं और जो कॉर्न होते हैं बाजार में स्वीट कॉर्न लेने जाएँ तो वो बड़े महंगे मिलते हैं, तो अपन उसको स्टोर करके रख रहे हैं इस टाइम, तो ये एक साल तक अपने जो ख़राब नहीं होते, बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं और अभी ये भुट्टे सस्ते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आसानी से भुट्टों के इसके दाने निकाल सकते हैं और इसको किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। सबसे पहले एक भुट्टा लिया है, इसको मैं आपको दो तरीके से निकालना बताऊँगी इसके दाने, जो बहुत ही आसान होंगे और जो 5 मिनट में ही ना आप बहुत सारे ढेरों दाने निकाल लेंगे। सबसे पहले आप एक भुट्टा लीजिए, उसके ऊपर से छिलके सब निकाल लीजिए और ये इस तरह से एक स्पून होता है सबके घरों में होते हैं ज़्यादातर चम्मच, इस तरह से एक चम्मच लीजिए, उसके यहाँ से एक जो है उसको इस तरह से निकालना है, एक उसकी लेयर निकालना है आप इस तरह से, और इस वाली जो निकाली है अपन ने ये लेयर जो निकाली है उसके दाने थोड़े टूट जाएंगे तो आप इसको अलग कर दें, उसमें नहीं डालें। देखिए एक लेयर निकाल ली है अपन ने और ये एक लेयर के बाद ये बहुत ही आसानी से, ये देखिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके, 1 मिनट के अंदर जो है आपका एक पूरा जो भुट्टा है उसके दाने ये देखिए निकल जाएंगे। इसी तरह से ये देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका और आपका एक सारा भुट्टा जो है उसके दाने निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से, ना टूटेंगे और ना ख़राब होंगे। इस तरह से निकाल लिया, ये निकाल लिए, इसी तरह से अब दूसरे भुट्टे का दूसरे तरीके से आपको दाने निकालना बताऊंगी। कट कर लीजिए बीच में से, तो फिर आप उसको तरह से दाने निकाल लीजिए, पूरे दाने निकल जाएंगे आसानी से। ये देखिए ये भी बहुत ईजी वे है आपका दाने निकालने का। ये मैंने सारे भुट्टे के दाने निकाल लिए और उसमें से ये ध्यान रखें आप जितने भी टूटे और ये ऐसे दाने हो सारे निकाल लें, सिर्फ जो है साबुत इस तरह के जो दाने होते हैं वो ही रखना है। अब मैंने एक भगोना लिया है, उसमें पानी गर्म करने रख दिया है, उसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। पानी को अच्छे से बॉईल करना है, ये देखिए अच्छे से गर्म हो गया है पानी, थोड़ी खटकी आ जाए इसमें। देखिए पानी में बॉईल आ गया है, अभी जो कॉर्न है इसमें डाल देंगे। अब इस तरह से झारे से छलने से की हेल्प से इसको चला देंगे, इसको चलाते रहना है। ये देखिए 2 मिनट हो गए, हमारे जो दाने हैं इसके ये ऊपर आ गए हैं, जितने जितने दाने ऊपर आते गए हैं उनको सारे को इसकी छलनी के मदद से इस तरह से एक दूसरी जाली में छलनी में निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। देखिए सारे दाने जो हैं ऊपर आ गए हैं, मैंने सारे दानों को छलनी में निकाल के रख लिया है, इसको 5 मिनट के लिए इसको छलनी में रखेंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए और उसके बाद बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। देखिए कॉर्नर को जो है सारा पानी निकल गया है, अब एक जो मलमल के कपड़े पे कोई से भी दुपट्टे पे आप इसको फैला दीजिए, इसका जो और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा सूख जाएगा। वो सुखा लेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से पोंछ कर। इसका सारा पानी सूख गया है, देखिए इसको पूरा पूरा जितना भी पानी है ना एक्स्ट्रा सारा सुखाना है इसको, इसमें कुछ भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से बैग होते हैं जिप्लॉक बैग, इस तरह से आप इतने बड़े बड़े जितना आप चाहे उसमें रख सकते हैं और इतना करें कि आप उसमें जो है एयर नहीं जाए, इस तरह से भर लें आप उसको। इस तरह से ये हमारे कॉर्न इसको रख देंगे इसी तरह से, और जो इस तरह के डब्बे होते हैं एयरटाइट जार या इस तरह के जार में आप भर के रख दें।
इसको सबको इसको भरकर इसको रखना है अपन को फ्रीजर में, फ्रीजर जहां पर बर्फ जमती है ना उसमें रखना है, नीचे नहीं रखना है, नीचे की साइड में रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। वो जब आपको इसको इस्तेमाल करना हो, जब निकाल लें 5 से 10 मिनट पहले, इसको डब्बे में इसको ढक्कन लगा के और उसको फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है। अगर आपको भी मेरा आइडिया पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।